आने वाली 10 मार्च को पंजाब सरकार वालों बजट पेश किया जाना है, उस उपर की राय रखती है आम जनता, आप उस बारे गलबात करांगे। खास जो गल की जाती है बजट की, तो उस वेले जनता की यह निगाह होंगी सरकार वाल कि सेहत सेवाओं को लेकर सरकार कही जी राहत देने जा रही है। आप रजिंद्रा हॉस्पिटल में खड़े हाँ, इतने लोगों गलबात करांगे कि वह किस तरह का बजट चाहते हैं सरकार को सेहत सेवाओं को लेकर। आप गलबात करते हैं लोगों के नाल, सो गलबात करते हैं रजिंद्रा में आए हुए लोगों के नाल। वीर जी की नाम है? तो रघुवीर सिंह है जी मेरा नाम। रघुवीर सिंह जी, 10 मार्च को पंजाब सरकार का बजट आने जा रहा है, किस तरह की सेहत सहूलत चाहनी है सरकार को? देखो चंगी सहूलत दी जान, जी दवाइया ज होर मेडिसिन जो इतने सारा वो मिलना चाहिए ना, अभी ठीक नहीं ये धक्के खाने नालों बाहरों नालों गरीबों वास्ते बाहर जाते बहुत महंगे ने, इस करके असीं चाहुंदे आ वी चंगी इत्थे सहूलत होनी चाहीदी ने, सारे टेस्ट होने चाहीदे ने, दवाइयां मिलनी चाहीदियां फ्री। भैन जी की नाम है जी तुहाडा? जी गुरमीत कौर जी। गुरमीत कौर जी कहिहड़ी जगह तों आए तुसीं? असीं लहरा घाघा तों आए जी। होस्पिटल च आए हो यकीनन तौर पर किसी मरीज का या किसी का इलाज कराने वास्ते आए होने, किस तरह की सहूलत जो सरकार को चाहती है बजट आने? हाँ जी टेस्ट तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, वैसे सरकार को हाथ बन के बेनती भी नॉर्मल दवाइया तौर दे देंगे ने, गरीब ग्रुप लेंगे जी महंगी है जी, तो कोई भी मरीज लै नहीं सकता, वो बाहरों लिख देंगे ने भी फिर जो टेस्ट कर देने तो फिर दवाई भी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, है ना, चाहे महंगी है चाहे सस्ती हैगी, तो फिर गरीब बंदा बाहर जाके दवाई नहीं ले सकता है महंगी, तो वैसे टेस्ट है जो बहुत वधिया ने सारे अंदर किए जाते हैं, दवाइया नहीं मिल रही है? हाँ जी भी दवाई भी हरेक प्रकार की कोई भी बीमारी है महंगी हो जो भी वो अंदरों मिलनी चाहिए, जी नॉर्मल दवाइया मिल जाए जी महंगी नहीं मिलती। हाँ जी वह बाहरों लिख देंगे कहें बाहरों ले लेंगे। सो यह समस्यावान जी है आम समस्यावान ने कि सरकार वालों उपराले किए जा रहे हैं, लेकिन जोड़े उपराले ने पूरे होंगे दिखाई नहीं दे रहे है, कहने कि जड़िया दवाइया ने सस्तियाँ उतो मिल जाए, जो महंगी दवाइया ने बहर से लिखिया जाने तो वह बहरों जाके लेनिया पैदा ने। आप होर लोगों भी गलबात करते हैं, सो सेहत सेवावान लैके आप लोगों गलबात कर रहे हैं कि किस तरह दहत सेवावान जी सरकार को चाहिए ने, मरीज ने आप गलबात करते हैं। एक मिनट माता जी की नाम है थोड़ा जी? दर्शनी। सरकार वालों उपराले किए जा रहे हैं 10 मार्च को बजट आ रहा है, सेहत सेवाओं लगे किस तरह का बजट चाहिए है क्या कहना जी? तुम दसो जी थोड़ा जी सुविधावान सरकार वालों ठीक मिल रही है ने? हाँ जी हाँ जी ठीक मिल रही है। सो बुजुर्ग कह रहे कि इतने वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा है देखभाल हो रही हैगी, आप होर लोगों नाल गलबात करते हैं, इतने होर बापू जी पहुंचे हुए हैं गलबात करते हैं। बापू जी की नाम है जी तुहाडा? मेरा प्रेमचंद है जी। किहड़ी जगह तो आए हो जी? असीं आए पिंड गलाड़ तो। गल की जाए कि 10 मार्च को सरकार वालों बजट पेश किया जा रहा है, तो किस तरह का बजट सरकार तो आप चाहते हैं जिस नाल सेहत सेवाएं वधिया होण? वधिया होना चाहिए जी। किस तरह कोई राय हैगी तुहाडे वल्लों? दवाइया मुफ्त होनी चाहिए जां अपना जिहड़े टेस्ट ने फ्री होने चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, सरकार इस तरह कह रही है? फ्री होंदे ने जी, दवाई मुल मिलती है बाहरों, दवाई बाहरों मिलती है? हाँ जी सरकार कह दी सारी दवाई जी मुफ्त मिलती है अंदरों? नहीं जी नहीं मिलती, वो मिलनी चाहिए है? हाँ जी हाँ मिलनी चाहिए। होर इलाज वास्ते होर कि सुविधावान जी आप प्राइवेट हॉस्पिटल चाहते तो इतने मिलनी चाहिए? इतने मिलनी चाहिए जी। हाँ जी की कहना चाहो सरकार को? कुछ अभी सरकार ने यही कहना चाहिए भी कहो 20 साल हो गए दवाई लेंदे, पहला 1200 हूँ अंदर हैगी दवाई दिंदे नहीं, मुल नहीं मिलू दवाई है दिंदे नहीं? हाँ दिंदे नहीं, आ मुल भी देखे 11 10 बजे। सो सरकार अपने वालों सुविधावान जीडिया दे जरूर रही है, लेकिन जिन्होंने कहा कि दवाइया है अंदर लेकिन सानू बाहरों लेके आनी पैदा ने, दवाइया दिखा भी रहे हैं। सो होर लोगों ने गलबात करते हैं, आप की कहते हैं इस बारे च कुछ नौजवान साढ़े नाल है गलबात करते हैं। वीर जी की नाम है थोड़ा? मेरा नाम जसप्रीत सिंह। जसप्रीत की कर रहे हो इतने हॉस्पिटल? मेरे पापा जी हॉस्पिटल में दाखिल हैं जी। हाँ जी जसप्रीत तुम यंग हो, जरा 10 मार्च को सरकार वालों बजट आना है, उस सेहत सेवाओं लगे किस तरह का बजट चाहते हैं? आप बजट इसलिए चाहते हैं कि जो भी अपना गरीब है जो भी इंसान है भी उसनों फ्री दवाई दी जाए, तो भी वो
इसलिए शामिल होता सरकारी अस्पतालों में मेरा खर्चा ना हो सके ते इत्थे फिर भी टेस्ट होंगे ब्लड शुगर होर भी कुछ भी होंगे ते वह भी टेस्ट कदे 500-600 उन्नी खर्चा हो जाता है कोई भी अमीर ही आंदा या गरीब आंदा असल तो गरीब ही आंदा अमीर तो उन्नी नहीं है सरकारी अस्पताल च हाँ जी लेकिन सरकार कह रही कि जिन्हें भी टेस्ट होंगे सारे फ्री किए जाते हैं फ्री कोई नहीं किया जाता होंगे जी इतने टेस्ट सानू इतने मतलब 4-5 दिन होए होने साढ़ा 20-25 हज़ार वो खर्चा हो चुका सरकारी हॉस्पिटल हाँ जी किस किस बीमारी पीड़ित ने मेरे पापा बीमारी है भी उन्हें लैटरिन वाली नाड़ी गठ आ चुकी अंदर ऑपरेशन करना सी डॉक्टर साहब उन्होंने ऑपरेशन किया उस तो बाद फिर उही तकलीफ आ गई तो हूँ सैट है चलो परमात्मा लंबी उम्र करे हरेक की तंदुरुस्तियां बख्शे इस तरह ही जोड़े लोग है इतने जड़े पहुँच लेंगे सरकारी हॉस्पिटलों में सस्ता तो वधिया इलाज करवाने वास्ते लोगों की जोड़ी दिक्कत ने उन्होंने कहना कि दवाइया नहीं जी है सही तरीके मिल रही है तो नाल ही जोड़े टेस्ट ने कुछ लोगों का कहना मुफ्त हो रहे हैं कुछ लोग कह लेंगे कि सानू बाहरों करवाने पैंदे ने सो राजेंद्रा हॉस्पिटल के लोगों को सेहत सेवावान बारे राय लै रहे हैं कि आने वाले 10 मार्च के बजट में किस तरह से सरकार को बजट लैके आने चाहिए सेहत सेवावान लैके वीर जी की नाम है थोड़ा जी मेरा नाम वीर गुरजिंद्रपाल है जी जी गुरजिंद्रपाल 10 मार्च में पंजाब सरकार का बजट आना है उस सेहत सुविधावान होर वधिया होण किस तरह का बजट होना चाहिए वधिया होना चाहिए जी जिवें हुण अपने ना जिहड़ी सरकारी दवाई मिलती आ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆ ਜਿਵੇਂ 60 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1500-1600 ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀਰੇ ਘਾਟ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ कि 50-50 ठीक भी है भी आप सरकार नूं माड़ा नहीं कह सकते 50-50 है गया पर जिहड़ा ना सफाई दा वीरे वह जिहड़ा 2 दिन पोचा लग के हटदा 2 दिनां बाद पोचा लगदा उहदी बड़ी दिक्कत आ वीरे वाड़ां च सफाई दा थोड़ा जिहा ज्यादे जे ध्यान रख्या जावे बड़ा जरूरी आ जिहड़े होर किस तरह की सुविधावान चाहते हो तुम कहते कि जो दवाइया हरेक तरह की अंदरों मिलनी चाहिए जबकि पंजाब सरकार कहती सारी दवाई जी सरकारी हॉस्पिटलों से फ्री मिलती है नहीं मिलती वीरे नहीं मिलती आपां सरकारी भी लैके देखिए दवाई तो सानू 17-18 दिन हो गए माता नूं ले बैठे नूं सरकारी भी मिलती आ जिहड़ी दवाई वह घट मिलती है वीरे प्राइवेट वध मिलती आ महंगी दवाई आ जिहड़ी वह प्राइवेट मिलती है सरकारी रखी नहीं जांदी है सरकारी दा भाई आही मिलते ने जिहड़े अपने टीके टप्पे जे ने सरिंजा सरुंजा जी जां माड़ियां मोटियां ट्यूबां जी होर तां इन्हां कोले सरकार कोले है नहीं इत्थे ना हाँ जिहड़े ऑपरेशन ने जां जिहड़े टेस्ट ने उह मुफ्त हो रहे ने नहीं ऐ तो हूँ ले जाती है फीस हाँ जी जिमें हूँ अपना सिटी स्कैन हैड का जी वो वास्ते 700 रुपया लिया जाता जी चेस्ट के वास्ते 1300 लिया जाता क्यों बाहर नालों जो देखा जाए ये ठीक आ बाहर थोड़ा जहा महंगाई आ सो राहत हैगी है सरकारी हस्पतालों लेकिन जिन्हें दावे सरकार वालों किए जा रहे वो हले सामने नहीं आ रहे है आने वाले बजट में लोगों की यही उम्मीद है कि जरा दवाइया ने हरेक तरह की दवाई अंदरों मिलनी चाहिए हैगी है जो टेस्ट ने थोड़े जो होर सस्ते हो जाता बेहतर है तो जोड़े स हस्पतालों के इलाज कराने लिए मरीज आते हैं उन्होंने वास्ते साफ सफाई का इंतजाम भी इन्हें एक डिमांड है कि वह वधिया तरीके होनी चाहिए है तो हॉस्पिटल में आईए तो इलाज के नाल नाल सानू उत्थे दा माहौल भी वधिया मिले की नाम है भरा जी तुहाडा बलबीर सिंह जी बलबीर सिंह जी तुसीं रजिंद्रा च आए हो कौन पेशेंट है तुहाडा मेरी माता जी 90 साल ये ना जो आयुष्मान कार्ड चालू करवाना पैंदा बहुत भजांदे ने फिर 3-4 जगह तो सहन करा एक जगह तो सहन होने चाहिए नाल दी नाल जिहड़ी पेमेंट पै जाए नाल दी नाल मरीज नूं दवाई मिल जाए 4-4 घंटे लाइन च लग के फिर कदी कहिंदे ने आह गलती है हुण मरीजां नूं नहीं कदल खवाई तो चलो हैगी है हॉस्पिटल च मन्नदे आ सारिआं नूं देखी हुई है इस अज दा विशा यह है कि जिहड़ा बजट विच पंजाब सरकार दा 10 मार्च नूं आ रहा है उस बजट दे विच कही जी राहत चाहुंदे हो जिहदे नाल सेहत सेवावां वधिया होण लोकां दे इलाज वधिया हो जाऊ असीं कहिंदे वी जदों मरीज आवे नाल दे नाल दाखल करके उहनूं यानी कि जिहड़ा जदों मरीज दाखल हुंदा नाल दे नाल उहदा 5-7 हज़ार रुपया लग चुका हुंदा उस तों बाद यानी कि उहनूं फैसिलिटी मिलदी उहदा कोई फायदा नहीं हैगा हाँ पैसे उन्दे लग चुके होंगे ने जो तो कार्ड कूड चलाने वो तो बाद दियां गल्लां ने अगले चला ना चला सो प्रॉब्लम आ जाती नहीं थोड़े कहने का मतलब जो मरीज दाखिल होया उस वेले ही सरकार वालों मुफ्त इलाज शुरू हो जाना चाहिए हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सो ये भी एक जी नवी गल सामने आई हैगी है पब्लिक की कि आयुष्मान कार्ड जी सरकार वालों चलाई गई एक स्कीम हैगी है वह लाहा तो मिलता है लेकिन
काफ़ी समय बाद मिलता जो मरीज दाखिल हो जाता है, दाखिल होने तो बाद काफ़ी गेड़े बजते हैं, उस तो बाद शुरू होता जबकि इन्हों का कहना कि जो एमरजेंसी मरीज आता उस तो नाल नाल ही मुफ्त इलाज जो शुरू हो जाना चाहिए है। साढ़े नाल होर बुजुर्ग ने गलबात करते हैं, बुजुर्ग की नाम है थोड़ा जी? अरुण सिंह जी। कि जगह तो आए जी? कलवाणा तो जी। कौन दाखिल है जी? दाखिल कौन है? दाखिल भरजाई है जी साड़ी जी। जे गल की जाए 10 मार्च को पंजाब सरकार का बजट आ रहा है, उस बजट के सेहत सेवाओं लिए किस तरह की सरकार को उम्मीद रखते हो? देखो जी सरकार तो अजे तक ठीक ही चलती है जी, अगे फिर आपको पता है सरकार सही चल रही है, लेकिन सेहत सेवाओं वास्ते सहूलत वास्ते कही जी उम्मीद चाहते सरकार तो? न्याय बीमा दल फायदा होना चाहिए जी, गरीब आदमी लुटना चाहिए, बच जाना चाहिए, ये मंग लिया जी। सो उही रली मिली लोगों की जी है इच्छा हैगी कि गरीबों वास्ते आम लोगों वास्ते सरकार होर सुविधावां जिहड़ियां लैके आवे तां जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके लोगों की लुट खसुट ना हो सके, ते नाल ही सेहत सेवावां जिहड़ियां हैगियां ने होर बेहतर करन वास्ते सरकार नूं चाहिए कि तत्पर रहे, जदों मरीज दाखल होवे हुंदे सारे उहदा जिहड़ा इलाज आ उह मुफ्त होना चाहिए, इस तरह की लोगों की इच्छा हैगी है।